आज हमारे जो लेक्चर है वो है हेलमेंथोलॉजी। पास्ट कुछ क्लासेस में कुछ बच्चों ने ये अटेंड किया था लेक्चर, ठीक है, लेकिन मैं एक आपको एक जो है सबको एक रिदम में लाने के लिए हेलमेंथोलॉजी से दोबारा स्टार्ट ले रहा हूँ। तो हेलमेंथोलॉजी की अगर हम पहले हमने जो पढ़े वो प्रोटोजोअन पैरासाइट थे जितने भी थे, तो हम अब स्टार्ट करें हेलमेंथोलॉजी। हेलमेंथोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ हेलमेंट्स जो है उसको हेलमेंथोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ हेलमेंट्स जो होते हैं उनको हेलमेंथोलॉजी कहा जाता है। और हेलमेंट्स होते क्या हैं? हेलमेंट्स बेसिकली वर्म लाइक जो है ये पैरासाइट्स होते हैं। इनकी अपीयरेंस जो है ये वर्म लाइक होती है और इनको क्लासिफाई किया जाता है इनकी एक्सटर्नल शेप के बेस पे, और इसके अलावा जो इनकी डिफरेंट हैबिटेट्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। फॉर एग्जांपल कुछ इंटेस्टाइन में रहते हैं, कुछ हमारे ब्लड में रहते हैं, तो कुछ उस बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमेंट्स की बात करें फिर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमेंट्स में हमारे पास निमाटोड्स आ जाते हैं, प्लेटी हेलमेंट्स आ जाते हैं, जिनको नीमा हेलमेंथीज भी कहते हैं और प्लेटी हेलमेंथीज भी कहते हैं। नीमा हेलमेंथीज में हम कहते हैं कि इनको राउंड वर्म होते हैं क्योंकि ये राउंड इन शेप होते हैं, जबकि प्लेटी हेलमेंथीज जो है ये फ्लैट वर्म होते हैं, फ्लैट इन शेप होते हैं, इस वजह से इनको फ्लैट वर्म भी कहते हैं। फ्लैट वर्म की फिर टू फर्दर कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। नंबर वन ट्रीमाटोड्स होते हैं जिनको फ्लूक्स भी कहते हैं, और नंबर टू जो है ये सिस्टोड्स होते हैं जिनको टेप वर्म भी कहते हैं। पहले हम बात करें राउंड वर्म की। जिनको हमने निमाटोड भी कहा, तो राउंड वर्म मोस्टली हमारे जो इनकी हैबिटेट होती है वो इंटेस्टिनल भी हो सकती है और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल साइट्स भी होते हैं, यानी ये हमारे इंटेस्टाइन में भी रह सकता है और इंटेस्टाइन के अलावा जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में भी निमाटोड जो है ये रह सकते हैं। इन कंट्रास्ट टू प्लेटी हेलमेंट निमाटोड आर सिलेंड्रिकल रेदर देन फ्लैटेंड। निमाटोड जो है ये सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, जबकि प्लेटी हेलमेंट जो थे जो हमारे पास वो फ्लैट लाइक अपीयरेंस में थे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि निमाटोड में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इस एलिमेंट्री कैनाल में माउथ भी होता है और एनस भी, यानी कंप्लीट इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो है ये प्रेजेंट होती है एलिमेंट्री राउंड वर्म से, और इसमें जो मेल का साइज होता है वो स्मॉलर देन फीमेल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ट्रिमाटोड्स की, तो ट्रिमाटोड्स जो है ये इनको फ्लूक्स भी कहा जाता है। इनकी अपीयरेंस जो है लीफ लाइक होती है, लीफ शेप अपीयरेंस होती है इनकी, ठीक है। इसमें ओरल और वेंट्रल सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सकर्स आपको आगे दिखाऊंगा डायग्राम में कि कैसे होते हैं, ठीक है। फ्लूक्स इसमें जो मोस्टली फ्लूक्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं कि जिनमें मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन एक ही पैरासाइट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। लेकिन जो ब्लड फ्लूक्स होते हैं उस केस में ऐसा नहीं होता, उसमें मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं। फिर फ्लूक्स की अगर बात करें तो इसमें वेल डिवेलप्ड एलिमेंट्री केनाल प्रेजेंट होती है। वेल डिवेलप्ड एलिमेंट्री केनाल है जिसमें उसका फेरेंक्स भी प्रेजेंट होता है, उसमें एसोफेगस भी प्रेजेंट होता है। फिर इंटेस्टाइन जो है इसकी ये ब्रांच ट्यूब्स होती है, ठीक है, टर्शरी ब्रांचेस होती हैं और सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। जो ब्लड फ्लूक्स हैं सिर्फ वो हैं जो सिस्टोसोम्स में ये इफेक्ट कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन को। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेप वर्म आ जाते हैं, टेप वर्म को सिस्टोड्स भी कहा जाता है।
टेपवर्म ये इलोंगेटेड होते हैं, सिगमेंटेड होते हैं, ठीक है, और ये इनकी जो हैबिटेट होती है वो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। इसमें सिस्ट फॉर्म भी होती है, लार्वल फॉर्म भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल साइट्स पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। फिर जो सिस्टोड की इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें स्कॉलेक्स होता है, जिसको हेड पार्ट भी कहते हैं उसका, ठीक है, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है। फिर उसके अलावा इसमें प्रोग्लॉटिड्स भी होते हैं, ठीक है। प्रोग्लॉटिड्स क्या होते हैं, जो सेगमेंट्स होते हैं उनको प्रोग्लॉटिड्स कहा जाता है, और जो एक पूरा प्रोग्लॉटिड सेगमेंट्स का एक बंच होता है उसको स्ट्रॉबिला कहते हैं, ठीक है, और ये नेक रीजन से इसके ओरिजिनेट होता है। जो सेगमेंट्स नियर द नेक होंगे वो इमेच्योर होंगे, और जो पोस्टीरियर एंड पे होंगे वो मेच्योर सेगमेंट्स होंगे। आपके इससे पहले ये डायग्राम दिखा दूं सिस्टोड की, कि सिस्टोड में इसमें दिखाया जा रहा है कि इसका ये स्कॉलेक्स है, जो एरो आपको नजर आ रहा होगा ये स्कॉलेक्स है, इसके साथ ही इसका नेक रीजन है, नेक रीजन के साथ इसके डिफरेंट ये सेगमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको प्रोग्लॉटिड्स कहा जाता है, और इस पूरे जो सेगमेंट्स का ये हिस्सा है इसको स्ट्रॉबिला कहते हैं, इसकी पूरी बॉडी को स्ट्रॉबिला कहा जाता है। और यहाँ पे इसके जो मेच्योर एग्ज होते हैं उनको ग्रेविड सेगमेंट कहते हैं। इसी तरह अगर देखें इस तस्वीर में, तो यहाँ पे आपको ये हुक्स नजर आएंगे, ये जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है ये हुक्स होते हैं, ठीक है, और ये साइड पे जो है स्कॉलेक्स के ये सकर्स हैं, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो है ये स्कॉलेक्स है, इसके ये हुक्स हैं, और साथ ही ये जो राउंड शेप आपको दिखाया गया कि ये सकर्स हैं, ठीक है। हुक्स यहाँ पे होते हैं, सकर्स यहाँ पे, ये फिर नेक है, फिर इमेच्योर प्रोग्लॉटिड इसके सेगमेंट के स्टार्ट में होते हैं, और मेच्योर प्रोग्लॉटिड इसके एंड पे होते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिस्टोड का स्ट्रक्चर है एक। फिर हमने ये जो सारी बातें की हैं इसमें हमने ये डिफरेंसेस देखे हैं कि सिस्टोड, ट्रिमाटोड और निमाटोड में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। सिस्टोड में अगर बात करें तो सिस्टोड जो है ये टेप लाइक सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ट्रिमाटोड जो है ये लीफ लाइक अनसेगमेंटेड होता है, और निमाटोड जो है ये इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल होता है, और ये भी अनसेगमेंटेड होता है। नहीं, एक तो डिफरेंस ये आ गया कि सिस्टोड की शेप टेप लाइक होती है, ये सेगमेंट्स की फॉर्म में होते हैं। ट्रिमाटोड लीफ लाइक अनसेगमेंटेड होते हैं, और निमाटोड भी इलोंगेटेड अनसेगमेंटेड होते हैं। सेक्सिस जो है इसमें फिर सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल जो है एक ही पैरासाइट में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये सिस्टोड की कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रिमाटोड केस में क्या होता है, सेक्सिस सेपरेट नहीं होते, लेकिन सिस्टोसोम्स जो है ट्रिमाटोड के उनमें मेल और फीमेल जो है पैरासाइट वो अलग अलग होता है। इस तरह निमाटोड में भी सेक्सिस जो है मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं। फिर सिस्टोड में सकर्स होते हैं, ठीक है, और हुक्स भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि ट्रिमाटोड में सकर होते हैं लेकिन हुक्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते। निमाटोड में सकर्स भी नहीं होते और हुक्स भी नहीं होते। फिर अगर बात करें सिस्टोड की, तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है सिस्टोड के केस में, जबकि ट्रिमाटोड के केस में प्रेजेंट होती है, लेकिन उसमें जो एनल पार्ट होता है, एनस पार्ट होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता। इसी तरह निमाटोड में एलिमेंट्री कैनाल जो है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, और कंप्लीट होती है, यानी इसमें फुल जो उसके पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सिस्टोड में जो है बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, ट्रिमाटोड में भी एब्सेंट होती है, जबकि निमाटोड के केस में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। इसी इन्हीं सिस्टोड को फिर आगे लेके हम चलते हैं। सिस्टोड को जो पैरासाइट है उसमें फाइव पैरासाइट्स आ जाते हैं। सबसे पहले टीनिया सोलियम है, जिसको पोर्क टेप वर्म कहते हैं। टीनिया सेरिनेटा है, जिसको बीफ टेप वर्म कहते हैं। डिफाइलोबोद्रियम लेटम है, इसको फिश टेप वर्म कहते हैं। एनुलेप्सिस नाना है, इसको ड्वार्फ टेप वर्म भी कहते हैं। और इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस है, इसको डॉग टेप वर्म भी कहते हैं। तो ये फाइव टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स हैं जो कि सिस्टोड में प्रेजेंट होते हैं। अगर टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा की बात करें, तो सबसे पहले टीनिया सेजिनेटा की हम मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि ये 5 मीटर जो है इसका इसकी लेंथ होती है, ठीक है, इसका फिर 12 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, फिर इसमें हेड होता है जिसको स्कॉलेक्स कहते हैं, और ये पियर शेप होता है।
इसमें हुक्स भी प्रेजेंट नहीं होते और इसका कोई नेक भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता और इसके हेड पे 4 सकर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी इसकी लॉन्ग होती है, सेवरल सेगमेंट्स होते हैं जिनको प्रोग्लॉटिड्स कहा जाता है, ठीक है, और हर्माफ्रोडाइट इन नेचर होते हैं। फिर इसकी आगे प्रोग्लॉटिड की लेंथ लिखी है 18 to 6 millimeter इसकी लेंथ होती है और इसमें यूट्रस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्स जो इसके राउंड होते हैं और येलो ब्राउन इन कलर होते हैं। टीनिया सेजिनेटा की अगर बात करें तो इसका 7 meter लॉन्ग इसका साइज होता है, इसमें प्रॉपर नेक होती है, लेंथ लॉन्ग फ्लैट बॉडी होती है, ठीक है। स्कॉलेक्स इसका ग्लोबुलर इन शेप होता है और सकर्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। प्रोग्लॉटिड जो है वो 5 to 10 millimeter जो है इसमें इसका साइज होता है और इसमें भी यूट्रस प्रेजेंट होगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एटीनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम के केस में वो है इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होगा जो अनकुक्ड मीट होती है, चाहे वो पोर्क की हो चाहे वो बीफ की हो। इन केस ऑफ टीनिया सोलियम वो पोर्क की होगी, इन केस ऑफ टीनिया सेजिनेटा वो बीफ टेपर्म होगा। बीफ और पोर्क को जब आप अनकुक्ड मीट को इंजेस्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो टेपर्म जो है उसकी लार्वल स्टेज सिस्टिसर्काई जो है वो रिलीज हो जाएगी इनसाइड द बॉडी और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अपने स्कॉलेक्स के सकर जो होते हैं उनकी हेल्प से अटैच हो जाएगी टू दी इंटेस्टिनल वॉल। ये जब अटैच हो जाएगी, अटैचमेंट के बाद ये मैच्योर होगी 3 to 4 months के दौरान और इसमें प्रोग्लॉटिड्स डिवेलप होना शुरू हो जाएंगे, यानी मोर मैच्योर सेगमेंट्स भी उसके डिवेलप होंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये अप टू 25 years जो है ये ह्यूमंस में सर्वाइव कर सकता है और उसके दौरान ग्रेविड सेगमेंट्स उसके उसके फीसिस में रिलीज होते रहते हैं। जब ये एग्स जो है ये रिलीज हो जाते हैं फीसिस में तो वहां से वो डिफरेंट साइट्स पे जाते हैं, ग्रेजिंग साइट्स पे जहाँ पे उनको कैटल्स और पिग्स जो है इंजेस्ट कर लेती हैं, खा लेती हैं, ठीक है। जब एनिमल्स के अंदर ये एग जाएगा तो फिर सिस्टिसर्कस लार्वी रिलीज होगा, ठीक है, वो एनिमल की सर्कुलेशन में जाएगा थ्रू इंटेस्टाइन और वहां पे उसके फिर सर्कुलेशन से वो मसल्स में चला जाएगा बीफ के और पोर्क के। फिर जब ह्यूमन जो है इंसान जो है इस पोर्क मीट को या बीफ मीट को इंजेस्ट करेंगे तो ये इन्फेक्टिव सिस्टिसर्कस लार्वी कंटेनिंग जो मीट होगा वो इन्फेक्ट कर देगा ह्यूमन को। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये इस डायग्राम में दिखाया गया है लाइफ साइकिल, ये पोर्क है या बीफ है, ठीक है। हुआ क्या कि ह्यूमंस ने इंजेस्ट किया अनकुक्ड इन्फेक्टेड प्रेजेंट था, ये अंदर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो स्कॉलेक्स जो है स्कॉलेक्स की हेल्प से ये इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाएगा। फिर इसके एडल्ट डिवेलप होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, फिर ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे इनटू फीसिस, ठीक है। एग्स और प्रोग्लॉटिड्स जो है वो फीसिस में एक्सक्रीट होंगे एडल्ट फॉर्म से। ये जब फीसिस जो है ग्रेजिंग साइट्स में होगा वहां से कैटल्स या पिग्स उसको जब इंजेस्ट करेंगी तो उनके वो बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर ऑन्कोस्फेयर जो एग की उसकी फॉर्म है वो वहां से इंटेस्टिनल वॉल में पेनिट्रेट करेगा और मस्कुलर साइट्स में जाएगा। जब मस्कुलर साइट में वो पहुंचेगा तो वहां पे सिस्टिसर्कस लार्वी उसमें दोबारा डिवेलप हो जाएगा और वहां से ह्यूमन जब उसको खाएंगे उनके मसल्स मीट को तो ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके दौरान आती है कि पैथोजेनेसिस क्या होती है। पैथोजेनेसिस टीनिया सेजिनेटा या टीनिया सोलियम की वजह से जो इन्फेक्शन होता है गट वगैरह में उसको टीनिएसिस कहते हैं। टीनिएसिस डिपेंड करती है लोड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट पे, ये कितना सीवियर इन्फेक्शन हुआ, कितने जो है वो हैवी इन्फेक्शन हुआ। लाइट इन्फेक्शन में ये एसिम्टोमेटिक रहता है लेकिन हैवी इन्फेक्शन में क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, डायरिया होता है और वोमिटिंग होती है। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इसके सिस्टिसर्कस लार्वी की वजह से होती है टीनिया के केस में वो क्या होता है कि जब सिस्टिसर्कस लार्वी आपके इंटेस्टाइन में
पेनिट्रेट करता है, ठीक है, तो वहां से वो सर्कुलेशन के जरिए लंग्स में और लिवर्स में, आईज में, ब्रेन में भी जा सकता है, वहां भी इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिवेलप हो जाएंगे। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, न्यूरोसिस्टिसरकोसिस, जब ये आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें अपियर होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो इसको न्यूरोसिस्टिसरकोसिस कहते हैं। और ये इसमें फिर सीजर्स होते हैं, उसको ऐसे ऐसे शेवरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से मोर्टिलिटी भी हो सकती है, डेथ भी कॉज हो सकती है। तो सिस्टिसरकोसिस जो है ये मेजर कॉम्प्लिकेशन है इन केस ऑफ टीनिया। ये नेक्स्ट डायग्राम में आपको ये दिखाया भी जाएगा कि जब एम्ब्रियोनेटेड एग इंजेस्ट हुए ह्यूमंस में, तो वहां से इंटेस्टिनल वॉल में जब पेनिट्रेट हुआ, उसके मसल्स में पहुंचा, तो ब्रेन और आईज में जाके उसने नर्वस सिस्टम को इफेक्ट किया, और वहां पे उसको इन्फेक्शन भी उसकी वजह से हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें लैब डायग्नोसिस की, तो आप एग्स उसमें रिकवर कर सकते हैं, प्रोग्लॉटिड्स हैं उसको, स्टूल और पेरिएनियल स्किन पे आप एग्जामिन कर सकते हैं। फिर सिस्टिसरकोसिस को जो कंफर्म किया जाता है सीटी स्कैन के जरिए भी, एक्सरे वगैरह के जरिए भी, और डिफरेंट एंटीबॉडीज आप देख सकते हैं उसकी वजह से भी आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। टेंशन कैसे है कि आप मीट को थॉरली वॉश करें जब भी यूज करने से पहले, देख लें इन्फेक्टिव तो नहीं है किसी किस्म का, उसकी हैंडलिंग अच्छी हो, फ्रीजिंग और कुकिंग उसकी कर लें, क्योंकि 60 सर्कस लेस देन 10 डिग्री पे और मोर देन 50 डिग्री पे सरवाइव नहीं कर सकता। और WHO ने इसके लिए जो है वो एल्बेंडाजोल भी एक मेडिसिन है, वो भी उसका स्टार्ट किया, उससे भी एक ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, जो न्यूरोसिस्टिसरकोसिस था लेटर स्टेजेस पे, वो भी इसमें स्टॉप। ये सारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया कि टीनिया सोलियम क्या होता है, टीनिया सेजिनेटा क्या है, आपके हेलमंट्स क्या होते हैं, हेलमंथोलॉजी है क्या, ट्रिमाटोड, निमाटोड, सिस्टोड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन इनको जो है वो डिस्कस करते जाएंगे कि ये फर्दर क्या होते हैं।